बासगांव सांसद कमलेश पासवान ने रविवार को गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर कफील ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने भाई पर हुए हमले के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है, जो बिल्कुल निराधार है। उन्होंने कहा कि उन पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति स्वयं कई आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है। एक सोची समझी रणनीति के तहत राजनीतिक छवि खराब करने के लिए किसी पार्टी के इशारे पर उन पर यह आरोप लगाया जा रहा है। बासगांव सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि डॉक्टर कफील ने अपने भाई पर हुए हमले को लेकर सीबीआई जांच की मांग की है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जिसके बाद वह डॉक्टर कफील पर मानहानि का दावा करेंगे। आपको बताते चलें कि पिछले दिनों डॉक्टर कफील के भाई कासिफ जमील पर कुछ हमलावरों ने गोली चलाई थी, जिसमें 3 गोली कासिफ को लगी थी। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए वर्तमान सांसद कमलेश पासवान ने कहा, देखिए डॉक्टर कफील शुरू से विवादित व्यक्ति रहे हैं, और जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे ऊपर और मेरे दोस्तों के ऊपर आरोप लगाया है, ये टोटली बेसलेस बात हो रही है, टोटली बेसलेस बात हो रही है। ना तो डॉक्टर कफील से ना तो उनके परिवार से मेरा कोई वास्ता है। उन्होंने कहा है सीबीआई जांच कराने के लिए, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ, किसी भी जाँच के लिए मैं तैयार हूँ। किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा देना और लाइमलाइट में रहना, ये पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूँ डॉक्टर कफील को, जिनका विवादित पूरा परिवार ही रहा है। मेडिकल कॉलेज में गैस कांड में उनके ऊपर दर्जनों बच्चों के मरने का आरोप चल रहा, जिसमें वो 7 महीने से ऊपर जेल काट के आए। उनका भाई कासिफ, जो शहर के कई जमीनों को कब्जा कर दर्जनों मुकदमों में वांछित हैं, शहर के मैं नाम पढ़ूं तो कई ज़मीनें, करीब 8 से 10 ज़मीनों पर जो मुकदमे चल रहे हैं लोगों को कब्जा करके, समाजवादी पार्टी की सरकार में डॉक्टर कफील, कासिफ और उनके दोनों भाई मिलके शहर में करीब 12 से 13 ज़मीनों को कब्जा किए। शहर के लोगों ने जब विरोध किया था ज़मीन के उन लोगों ने, तो उनके खिलाफ भी मुकदमे में कार्रवाई कराकर उस सरकार में उसको प्रताड़ित किया। और वही नहीं, कासिफ ने इससे पहले भी अपने पैर पर गोली मारकर एक 60 साल की महिला को और एक करीब 55 साल जो नौकरी करता आदमी, उसको 307 के मुकदमे में फंसाने का काम किया। डॉक्टर कफील के ऊपर रेप का मुकदमा चल रहा है, जो तिहाड़ के जेल में बंद रहा है। उसके मेडिकल के सर्टिफिकेट दूसरा कोई एग्जामिनेशन दिया नाम पर उसका, उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। साथियों कई ऐसे उनके ऊपर विवादित ऐसे जो मैं गिना रहा हूँ आपका सिलसिलेवार, इससे पहले भी उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया था कि मैंने और मेरे लोगों ने ज़मीन कब्जा किया। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं सोचा कि ये पॉलिटिकल गेन करने के लिए या कोई मंशा है उनका आने के लिए इस तरह का हरकत कर रहे हैं। लेकिन जब एक ऐसे केस में मेरा नाम डालने का प्रयास किया गया, जो सीधे 307 की बात होती है और किसी के मरने और जीने की बात होती है, तो मैंने कहा कि मैं अपना वर्जन जरूर रखूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे, वो हमेशा लाइमलाइट में रहता है। और इसी कारण है, मैंने अभी पहले भी देखा कुछ दिन पहले कि राहुल गांधी का जब से चिट्ठी है उसको समर्थन में प्राप्त हुआ है, तब से वो किसी न किसी योजनाबद्ध तरीके से वो बदनाम करने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट कमलेश पासवान को पाया। और उनका बयान अभी मैं पढ़ रहा था यूट्यूब पर कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और कमलेश पासवान जी से पटता नहीं है, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर शहर में मौजूद थे कि फंस जाएंगे। मतलब ये क्या, ये दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? आप क्या बयान दे रहे हैं अपने बयान की? एक व्यक्ति के भाई को गोली लगा हुआ है और वो भाई जो है जीवन और मृत्यु में जूझ रहा है, और इनके पास इतना फुर्सत है कि लखनऊ में जाकर, गोरखपुर में नहीं, लखनऊ में जाकर सूट बूट टाई लगाकर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, आप टाई लगाकर एक भाई के मानवता कहाँ चली गई? जिसकी मनोदिशा खराब हो जाए, अगर जो किसी के परिवार में किसी परिवार के बच्चे को या भाई को गोली लग जाए, तो अब वो व्यक्ति टाई बूट सूट में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ कर रहा है, ये क्या साबित करता है? ये सीधे तौर पर मुझे और मेरे राजनीतिक कैरियर को नुकसान करने के लिए, मुझे
परेशान करने के लिए। और मैं एक बात और बताऊं, बहुत जल्द इस केस का पर्दाफाश होने वाला है। जो हमारी अधिकारियों से बात हुई है, मैं भी मांग करता हूं कि जल्द से जल्द इस मुकदमे का फाइनल रिपोर्ट लगना चाहिए। जो मुलजिम है या खुद इसने अपने आप को गोली मरवाया, इसका पर्दाफाश जल्दी से जल्द होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूँ, और बहुत जल्द पर्दाफाश हो, इसके ऊपर मैं मानहानि का केस करूँगा। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, मेरा, मेरे दोस्तों का, किसी का भी इस गृत जो कांड हुआ है उसमें हम लोग का किसी का भी हाथ नहीं है, और मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। देखिए, आज मैं देखा आम पार्टी, कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी, आदरणीय राहुल गांधी जी की चिट्ठी, मतलब ये क्या है? साल 6 महीने के बाद चुनाव है, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये है कुछ जो कराना चाहते हैं लोग। सतीश नांगलिया का भी नाम लिया, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, तो क्या आप भी मांग? आप ये बताइए, मेरे वजह से, मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जो व्यक्ति मेरे साथ पढ़ा हुआ है, एक स्कूल में हम लोग रहे हैं, तो सिर्फ दोस्त होने के नाते किसी को फंसा दिया जाए 307 जैसे मुकदमे में, मुझे लगता है कि ये टोटली बेसलेस है, ये जाँच का विषय है। मैंने कहा आपसे कि अगर जो 2-3 दिन के अंदर मुकदमे का पर्दाफाश होने के बाद मैं इसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा जरूर करूंगा। जो असदुल्ला जी की जमीन है जिस पे एफआईआर किया गया था और एफआईआर दर्ज किया गया, बिल्कुल सही बात आपने छेड़ा। टाटा कफील कहते हैं कि मेरे चाचा की जमीन है, ठीक, जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। हम आपके क्वेश्चन के द्वारा ही, वो कहते हैं कि मेरे चाचा की जमीन है, फिर चाचा की लड़ाई ये क्यों लड़े जब चाचा उनके साथ नहीं रहते हैं? तो परिवार इनका अलग रहता है, भाइयों में लड़ाई है, चाचाओं में लड़ाई है, फिर ये वो जमीन पर कब्जा क्यों किया हुए हैं? उसकी लड़ाई वो क्यों लड़ रहे हैं? मेरा नाम क्यों घसीटा जा रहा है? जिसके नाम से जमीन है उसके खिलाफ क्यों नहीं लड़ाई लड़ते हैं? आप मुख्यमंत्री से भी मिले थे इसके पहले इस मामले को लेकर? नहीं, मैं इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री को नहीं मिला था। जब मेरा नाम जमीन गिरवाने में आया था तब मैंने किया था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, और जांच हुआ, उसका जांच हुआ, पर्दा उस पर उठा, ये पॉलिटिकल गेम करने के लिए उन्होंने किया था। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आपके सामने आया, इससे पहले मैंने कभी नाम नहीं लिया। भाई, हम लोग के ऊपर तो रोज कोई ना कोई आरोप लगाते रहता है, आज ऐसे संगीन धाराओं में नाम लिया गया है, और 5 दिन तक गोली लगता है, वो व्यक्ति मीडिया को फोन करता है, थाने में फोन करता है, 5 लोगों को बुलाता है, अपने पैरों पर चल के हॉस्पिटल जाता है, लेकिन नाम नहीं लेता। 5 दिन के बाद लेने के, आज नाम लेने की क्या आवश्यकता है? ये दुर्भाग्य है, ये जांच का विषय है। सीबीआई जांच आपकी तरफ से भी नहीं, भी हमारी गोरखपुर की पुलिस सक्षम है, और मुझे लगता है बहुत जल्द इसको पर्दाफाश करने के लिए हमारी पुलिस काम कर रही है और करेगी। मैं क्या षड्यंत्र रचूंगा उसके खिलाफ? षड्यंत्र कौन रच रहा है? मैं रच रहा हूँ कि वो रच रहा है? मैं तो कहीं किसी के ऊपर आरोप ही नहीं लगा रहा हूँ भाई, मैं तो आरोप ही नहीं रहा। मेरा कौन सा षड्यंत्र? मैं तो मांग कर रहा हूँ कि जल्दी से इस केस का पर्दाफाश हो, ताकि मैं मानहानि का दावा कर सकूँ।